भिलाई निगम की जोन एक नेहरूनगर की टीम ने शनिवार को जोन क्षेत्र के कई बाजारों का निरीक्षण कर दुकानदारों की अनुज्ञप्ति और गुमाश्ता लाइसेंस चेक किए और जिनके लाइसेंस दुरुस्त नहीं थे उनसे दांडिक शुल्क भी वसूला। नगरपालिक निगम भिलाई के हालात इन दिनों काफी बुरी चल रही है क्योंकि उनके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। इसे देखते हुए भिलाई निगम हर संभव कोशिश कर रहा है कि उसका राजस्व बढ़ जाए। इसी तारतम्य में नगरपालिक निगम भिलाई के जोन एक की टीम द्वारा लगातार जोन क्षेत्र में बाजारों का मुआयना किया जा रहा है और दुकानदारों के गुमाश्ता और अनुज्ञप्ति लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। उनसे दांडिक शुल्क वसूल कर उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि वह अपने इन दोनों लाइसेंस को जीवंत रखें। शनिवार को निगम भिलाई की जोन एक की टीम दक्षिण गंगोत्री होजियरी मार्केट पहुंची और वहां भी दुकानदारों के गुमाश्ता और अनुज्ञप्ति लाइसेंस चेक किए, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक की जांच करते हुए कुछ दुकानों से जब्ती भी बनाई गई और अनुज्ञप्ति लाइसेंस और गुमास्ता लाइसेंस दुरुस्त न पाए जाने पर दांडिक शुल्क भी वसूला गया। टीम के कप्तान जोन एक के उप स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी ने कार्रवाई की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को उपलब्ध कराई है। गुमास्ता लाइसेंस, अनुज्ञप्ति लाइसेंस, सिंगल यूज प्रतिबंधित पॉलीथीन में कार्रवाई किया जा रहा है डोर टू डोर। आज वार्ड क्रमांक 6 हुजरी मार्केट दक्षिण गंगोत्री में कार्रवाई कर रहे हैं। जिनका अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं है उनको चेतावनी भी दे रहे हैं, उनका दंडित राशि भी काट रहे हैं। आज के डेट में 10 एक दुकानों में एक्सपायरी पाया गया। ये निरंतर जो है 1 जुलाई से हम लोग कर रहे हैं और अभी तक लगभग जो है 3 क्विंटल प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती भी की गई है और 600 बैग के आसपास पानी पाउच जब्ती किए हैं और 10 लाख के आसपास का दंडित राशि भी काटी गई है। 100% लोग बंद कर देते हैं तो जो हमारी जो साफ़ सफाई है, प्रदूषण है, वो नियंत्रण में रहेगा। साफ़ सफाई भी अच्छी दिखेगी, हमारा शहर भी अच्छा दिखेगा, स्वच्छ रहेगा। यही उद्देश्य से हम लोग जो है सिंगल यूज प्लास्टिक में कार्रवाई कर रहे हैं और साथ साथ गुमास्ता लाइसेंस, अनुज्ञप्ति लाइसेंस भी चेक कर रहे हैं। जिनका नहीं है उनको सलाह भी दिए रहे हैं कि आप बनवा लीजिए और कार्रवाई भी कर रहे हैं। निगम भिलाई के जोन एक की टीम ने यह साफ कर दिया है कि कार्रवाई आगे भी इसी तरह अनवरत जारी रहेगी और दुकानदारों से अपील की है कि वह अपने ये दोनों लाइसेंस दुरुस्त करवा लें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।